आजाद हिंदुस्तान लाइव सच के साथ। सनावत कपास मंडी में सीसीआई द्वारा कपास खरीदी में कपास को गीला बताकर कम दाम दिए जाने से नाराज किसानों ने बुधवार को 2 घंटे तक जमकर हंगामा किया। बाद में मंडी अधिकारियों ने हस्तक्षेप के बाद सीसीआई ने खरीदी फिर से प्रारंभ की। देखिए सनावत से आजाद हिंदुस्तान लाइव पर पूरी खबर। कपास खरीदी में सीसीए द्वारा उचित दाम नहीं मिलने पर किसानों का हंगामा। 2 घंटे चले हंगामे के बाद आखिर शुरू हुई नीलामी। सनावत कृषि उपज मंडी में सीसीआई द्वारा कपास की खरीदी की जा रही है, लेकिन यहां किसानों को लागत मूल्य से भी कम दाम मिलने पर किसानों ने हंगामा किया। करीब 2 घंटे से अधिक चले हंगामे के बाद मंडी के अधिकारियों के हस्तक्षेप के बीच सीसीआई और अन्य व्यापारियों ने कपास की नीलामी शुरू की, जहां किसानों ने सीसीआई पर अनियमितता का आरोप लगाते हुए खरीदारी में आना करने की बात कही। वहीं मंडी में किसानों की पीड़ा सुनने वाला कोई अधिकारी नहीं। अपनी नाराजगी किसानों इससे लेकर भी जाहिर की। कृषि उपज मंडी में सीसीआई द्वारा समर्थन मूल्य पर 5100 से अधिक में कपास खरीदा जा रहा है, लेकिन बुधवार को कृषि उपज मंडी में नीलामी के दौरान सीसीआई अधिकारी ने इस बात से खरीदी करने से इनकार कर दिया कि कपास गीला है। इसके बाद किसानों ने हंगामा शुरू कर दिया। वहीं किसानों ने आरोप लगाया कि जब किसान का एक गाड़ी का माल गीला है तो उसके बाद वाली गाड़ी का अधिक मूल्य से मिलना चाहिए, लेकिन सीसीआई अधिकारी द्वारा गीले कपास होने का हवाला देकर खरीदी करने में आनाकानी करने लगे, जिसके बाद 30 मिनट तक किसानों ने कृषक भवन के अंदर सीसीआई अधिकारी को अपनी समस्या और शिकायत के संबंध में चर्चा की। वहीं किसानों द्वारा सीसीआई के सचिव मंडलोई का घेराव किया गया। इस दौरान मंडी के अधिकारी और कर्मचारियों ने सहमति बनाकर 2 घंटे बाद खरीदारी शुरू की। बाद में 5500 से अधिक में कपास खरीदा गया। कपास की खरीदी में किसानों ने आरोप लगाए कि सीसीआई द्वारा गत वर्ष भी खरीदी में अनेक नियम कायदे बताकर किसानों की खरीदी में आनाकानी की गई थी। किसान रविंद्र सिंह, झबर सिंह, सेवकराम, इंगला शेख, आमीन ने आरोप लगाया कि सीसीआई द्वारा 4600 में जो गाड़ी ली गई थी, उस गाड़ी को अन्य व्यापारी द्वारा 5600 में खरीदा गया। जब अन्य व्यापारी किसान की उपज को लेते हैं तो सीसीआई अपने नियमों का हवाला देकर किसानों की खरीदी नहीं करती। कुछ किसानों ने इस मामले में मंडी के कुछ कर्मचारियों और व्यापारियों के बीच सांठगांठ होने का आरोप लगाया। समस्या का निराकरण होने के लिए यहां के सचिव को सख्त और मजबूत होकर कार्य करना पड़ेगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसी कारण किसानों को अपनी उपज की बिक्री के लिए हर बार संघर्ष करना पड़ता है। सनावत से विवेक विद्यार्थी की रिपोर्ट।